वक्त शुरू होता है अब। इस पीएफ के जवान का नाम बताएं जो 1986 में वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बना। जान शेर खान। करेक्ट। हसन, उस पायलट का नाम बताएं जिसे एक ही जंग में सितारे जुरत और हिलाले जुरत से नवाजा गया। सरफराज अहमद रफी। करेक्ट। सलमान, केपीके स्टैंड्स फॉर खान रिसर्च लेबोरेटरीज या कुहाटा रिसर्च लेबोरेटरीज? कुहाटा रिसर्च लेबोरेटरी। करेक्ट। नय्यर, हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? सितारा बिसालत। करेक्ट। कबल, एक एयरफोर्स का हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक कौन सा होता है? एयर चीफ, आई थिंक समथिंग पास। एयर चीफ मार्शल। नाज, पहला चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी कौन था? जनरल टका खान। करेक्ट। मेजर राजा अजीज भट्टी की तारीख शहादत बताएं। 22 सितंबर। 12 सितंबर 1965। सज्जाद, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट कब किया था? 28 मई 1998। करेक्ट। चाजेब, इनमें से हिलाले कश्मीर किसको मिला है, हवलदार लाइक जान या नेक सैफ अली? नेक सैफ अली। करेक्ट। मिशा, पाकिस्तान आर्मी ने अभिनंदन को क्या पिला कर रुखसत किया? चाय। करेक्ट। असद, गाने की अगली लाइन मुकम्मल करें। कभी हम परचम में लिपटे होते हैं, कभी हम गाजी होते हैं। करेक्ट। हसन, मशहूर मिली नगमा हमें प्यार है पाकिस्तान से किसने लिखा है? आतिफ असलम। करेक्ट। सलमान, बैंक। मशहूर ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली कौन से टीवी चैनल पर नशर किया गया? पाकिस्तान टेलीविजन। करेक्ट। नय्यर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? निशान हैदर। करेक्ट। कबल, पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, सदर या आर्मी चीफ? आर्मी चीफ। सदर। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का सरबरा क्या कहलाता है? चेयरमैन। करेक्ट। सज्जाद, कैप्टन के ओहदे के निशान में कुल कितने सितारे होते हैं? 3। करेक्ट। एंड योर टाइम इज अप। एज अ टीम आई थिंक यू गाइज वर नॉट बैड, लेकिन पहले राउंड में जो कि 25,000 रुपए का राउंड था, 25,000 रुपए तक का अमाउंट जीत सकते थे आप, सिर्फ पहले राउंड में 5,000 रुपए बैंक कर चुके हैं। टाइम टू वोट, टाइम टू एलिमिनेट। ये वो वक्त है जब आप कोई ऐसा प्लेयर, कोई अनाड़ी इस गेम से बाहर कर सकते हैं। आखिरी खिलाड़ी कौन की हमें तलाश है, सब अपने वोट कास्ट करेंगे। जब मेरे पास वो तमाम वोट्स इधर आएंगे तो मैं बताऊंगी कि कौन आउट हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, बैंक सिर्फ सलमान को करना याद रहा। मिशा काफी खामोश नजर आई, कादिर और कमल कंफ्यूजन का शिकार रहे। तमाम कंटेस्टेंट्स के वोट्स मेरे पास आ चुके हैं और वो कंटेस्टेंट जिसको बाहर जाना चाहिए उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन मिशा काफी खामोश लग रही हो, क्या लगता है किसकी गलती है, किसको बाहर जाना चाहिए? आई थिंक कमल। क्यों? क्योंकि उनको उस वक्त आंसर आ रहा था, सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने आगे पास कर दिया, तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगी तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, कंफ्यूजन के हिसाब से पास और उसके अलावा जो वक्त जाया करके पास करना, या तो अटेम्प्ट करती। बिल्कुल जी। कादिर, मेरे को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं दे पाया उस तरह से क्वेश्चन जिस तरह हक बनता था। आपने किसका नाम लिखा? कादिर। एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी विंस, और मेरे पास जो वोट्स आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कबल शुड नॉट कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। आई एम सॉरी कि आप आगे राउंड में नहीं बढ़ सकी हमारे साथ। आखिरी खिलाड़ी कौन की खोज आपके लिए इधर ही खत्म होती है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।